गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज सरिता चौधरी फ्रॉम सुनिता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू EBS इन क्लास फर्स्ट। इन प्रीवियस क्लास वी विल रीड चैप्टर नंबर फर्स्ट माई सेल्फ। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यानी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके EBS की टेक्स्ट बुक से माई सेल्फ यानी मेरे बारे में। तो इस चैप्टर में हमने आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में लिखा था, जिसमें आपके जो लाइक्स है, आपके जो डिसलाइक्स है वो लिखे थे, और आपके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमें फिल करना था, जैसे वॉट इज योर नेम यानी माई नेम इज। तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना था, फिर आई एम ईयर्स, तो आपकी जो भी एज है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी, फिर आई एम स्टडिंग इन, तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सुनीता ग्लोबल स्कूल, तो आपको यहाँ पे लिखना था सुनीता ग्लोबल स्कूल। फिर फोर्थ था आई एम स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। माई वेट इज, तो जो भी आपका वेट था आपको यानी जो भी आपका भार है उसे आपको मेजर करके यहाँ लिखना था। फिर आपकी हाइट, और आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है वो आपको यहाँ लिखनी थी। हाइट अगर आपको नहीं पता है तो आप मेजर करके लिख सकते हो। फिर था माय शू साइज इज, तो आपके शू साइज क्या है, जो भी आपके नाप के जूते आते हैं उसका साइज लिखना था। द कलर ऑफ माय हेयर इज, तो आपके जो हेयर का कलर है वो लिखना था। आमतौर पर बच्चों का जो हेयर कलर होता है वो ब्लैक होता है, अगर ब्राउन है तो ब्राउन लिखना है। द कलर ऑफ माय आई इज, तो आपके आईज का जो कलर है ब्लैक या ब्राउन या ग्रे जो भी है वो आपको यहाँ पे फील करना था। फिर था माई फेवरेट कलर इस, तो आपको अपना पसंदीदा कलर यानी जो क्रेयॉन्स आपको पसंद है, जो कलर आपको पसंद है वो आपको यहाँ लिखना था। माई बेस्ट फ्रेंड इस, तो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और आई विश टू बी, और फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो वो आपको लिखना था। फिर हमने देखा था दिस इज हाउ आई लुक, यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो पेस्ट करना था, जो भी आपका अभी रिसेंट फोटो है, जैसे अभी आप दिखते हो वो आपको फोटो, अपना न्यू फोटो यहाँ पे पेस्ट करना है। और क्या था इसमें, माय बर्थडे इज ऑन, तो जब भी आपका बर्थडे आता है वो लिखना था। पहले आपके बर्थडे की डेट लिखनी थी, फिर कौन से मंथ में आता है और कौन से ईयर में आप पैदा हुए थे वो लिखना है। फिर था माय लाइक एंड माय डिसलाइक, तो आपको चीज़ें क्या क्या जो पसंद है वो उसके बारे में लिखना था, और जो चीज़ें पसंद नहीं है उनके बारे में लिखना था। और अगर आप फोटो बनाना चाहते हो तो फोटो भी बना सकते हो। ड्रॉ पिक्चर ऑफ टू थिंग्स दैट यू लाइक एंड टू थिंग्स दैट यू डिसलाइक, तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, एक तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बताया, तो वॉकिंग बताया था, और एक रीडिंग। और आई डिसलाइक में मैंने बताया था यूज स्मार्टफोन और वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्गर टाइम। उसके बाद हमने क्या देखा, आई लाइक टू ईट, तो जो भी आपको खाने में पसंद हो वो आपको यहाँ लिखना था। जैसे मैंने तो बताया था कि बच्चों को क्या खाना पसंद होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। और आई डू नॉट लाइक मैंने आपको बताया था जंक फूड लाइक पिज्ज़ा बर्गर मोमोज, और क्या बोलते हैं मीट चिकन एग्स। अगर आपको जो भी चीज़ें पसंद नहीं हो खाना आप वो लिख सकते हो। फिर हमने देखा था लुक एट योर फ्रेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना था, अपने फ्रेंड के जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में यहाँ लिखना था। जैसे माय फ्रेंड्स हैंड आर, तो जो आपका फ्रेंड उसके हैंड्स कैसे थे, सॉफ्ट है या रफ है वो आपको यहाँ फील करना है। फिर सेकेंड था माई फ्रेंड्स चीक्स आर, जो आपके फ्रेंड के गाल हैं वो कैसे पिंक है या येलो वो लिखना था। उसके बाद माई फ्रेंड आइज आर, तो आपके फ्रेंड की आंखें कैसी है, ब्राउन या ब्लैक, वो आपको यहाँ पे फील करना था। और फिर माय फ्रेंड फिंगर आर, तो आपके जो दोस्त है उसकी अंगुलियाँ छोटी है तो छोटी लिखना, लंबी है तो लंबी लिखना। आमतौर पर बच्चों की अंगुलियाँ छोटी होती है तो यहाँ पे शॉर्ट आएगा। और फिर माय फ्रेंड टीथ आर वाइट या येलो, तो जैसे भी आपके फ्रेंड्स के टीथ दिखते हैं वो लिखने हैं। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ वॉक, अलग अलग तरह की चालें होती हैं यानी चलना, जैसे हम ह्यूमन बींग कैसे चलते हैं, अपना एक पैर और एक हाथ आगे बढ़ाकर चलते हैं। जैसे पीपल वॉक बाय पुटिंग वन फुट और वन आर्म फॉरवर्ड, हम कैसे चलते हैं, ह्यूमन बींग जो मनुष्य होते हैं एक पैर को आगे करते हैं और एक हाथ को आगे करके चलते हैं। और एनिमल्स कैसे चलते हैं, एनिमल वॉक इन डिफरेंट वेज, जैसे अलग अलग जानवर हैं तो सभी अलग अलग टाइप से चलते हैं। कैन यू वॉक लाइक एलिफेंट, क्या आप एलिफेंट की तरह चल सकते हो। ए हॉर्स, क्या एक घोड़े की तरह चल सकते हो। अ कंगारू, क्या एक कंगारू की तरह आप चल सकते हो। और टाइगर और अ रैबिट, क्या आप एक शेर की तरह या एक रैबिट की तरह यानी चीते और खरगोश की तरह आप चल सकते हो। तो इसका आंसर क्या था, नो, नो वन लाइक वॉक, नो कैन, नो कोई भी है ना इन जानवरों की तरह नहीं चल सकता, नो कैन नॉट वॉक लाइक दिस एनिमल्स। फिर हमने एक पोयम पढ़ी थी, लर्न द पोयम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एवरीवन सेज आई टॉक लाइक माय फादर, सब कहते हैं कि मैं अपने पापा की तरह बात करता हूँ। माई नोज इज लाइक माई मदर, जो मेरी नोज है मेरी नाक है वो मेरी मम्मी के जैसी है। माई आईज आर लाइक माई अंकल, जो मेरी आंखें हैं वो मेरे एकदम अंकल के जैसे दिखती हैं। माई फिंगर आर लाइक माई ब्रदर, जो मेरी फिंगर्स है यानी मेरी जो अंगुलियाँ एकदम मेरे भाई के जैसे दिखती है। माई वॉक इज
माई वॉक इज लाइक माई ग्रैंड फादर, और जब मैं चलता हूँ जो मेरी चाल है वो किसकी तरह है, मेरे दादा की तरह है। फिर एंड में एक लाइन थी, बट आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, पर मैं अपनी तरह दिखना चाहता हूँ। तो ये थी कल के चैप्टर की समरी। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, तो इस क्लास आज का क्या पढ़ने वाले हैं हम, इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है माई सेल्फ, उसके हम डिफिकल्ट वर्ड्स करने वाले हैं जो आपको अपनी बुक में यानी अपनी नोटबुक में EVS की नोटबुक में आपको करने हैं। और EVS की जो नोटबुक होगी कैसी होगी, इंग्लिश की जो नोटबुक होती है वैसी होती है EVS की नोटबुक। तो देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, तो मैंने 10 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं। डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग ये होता है यानी कठिन शब्द, यानी या तो उसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी होती है या जिनको प्रोनाउंसिएशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए पहला वर्ड मैंने लिखा है सेल्फ अप्रेशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्फ अप्रेशियल का मीनिंग क्या होता है, आत्ममूल्यांकन यानी खुद के बारे में जानना, यानी हमें क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं सेल्फ अप्रेशियल, यानी हम कैसे अच्छे हैं बुरे हैं सबको अपने बारे में खुद पता होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ अप्रेशियल। फिर हमने पढ़ा था सेकेंड नंबर है रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। तो रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि कोई चाहे हैप्पीनेस हो चाहे सैडनेस हो, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको एक नज़रिए से देखना, उसका सम्मान करना, तो सेकेंड नंबर था रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। फर्स्ट ये है सेल्फ अप्रेशियल और सेकेंड है रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। आपको अपनी कॉपी में एक लाइन में एक मीनिंग करनी है, मैंने सामने सामने लिखी है। फिर थर्ड था सेलिब्रेटिंग लाइफ। थर्ड क्या था, सेलिब्रेटिंग लाइफ यानी जिंदगी को अच्छे से जीना। फिर चौथा जो वर्ड है वो है स्टडिंग। स्टडिंग का मीनिंग होता है पढ़ना। फिर फिफ्थ था फेवरेट। तो फेवरेट का क्या मीनिंग होता है, पसंदीदा, जहाँ आपका फेवरेट कलर आया था, आपका क्या क्या आया था फेवरेट, यही बात थी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जैसे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमने लिखा था माय फेवरेट कलर इज। तो फेवरेट का मीनिंग क्या होता है, पसंदीदा, जो भी चीज़ हमें पसंद होती है। फिर डिफरेंट, डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग। फिर सेवन जो थी स्पेलिंग वो थी ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मीनिंग क्या होता है, दादा, या तो दादा भी हो सकता है या नाना भी हो सकता है। फिर था फादर, फादर का मीनिंग होता है पापा। मदर का मीनिंग होता है मम्मी। और टेन था ब्रदर। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे। पहला वर्ड था सेल्फ अप्रिशियल, सेकंड था रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, थर्ड था सेलिब्रेटिंग लाइफ, फोर्थ था स्टडिंग, फिफ्थ था फेवरेट, सिक्स्थ था डिफरेंट, सेवन था ग्रैंडफादर, एट था फादर, नाइन्थ था मदर और टेन था ब्रदर। तो ये 10 जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अपनी EVS की कॉपी में करने हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट माई सेल्फ, ये था चैप्टर का नेम। फिर हमें क्या डालने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हेडिंग डालनी है। ये क्या है, अपनी हेडिंग है डिफिकल्ट वर्ड्स। फिर पहली पहली जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो लिखनी है, सेकंड लिखनी है, मैंने आमने सामने लिखी है, तो आपको एक लाइन में एक ही स्पेलिंग लिखनी है, तो 10 लाइन्स में 10 स्पेलिंग हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारी डिफिकल्ट वर्ड्स की। अब इसके चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो देखो चैप्टर खत्म हो गया था हमारा लर्न द पोयम। अब देखिए एक्टिविटी यानी आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। सर्किल द करेक्ट वर्ड, आपको क्या करना है, जो सही शब्द है उस पर सर्किल करना है यानी गोला करना है। तो फर्स्ट है आई हैव ब्लैक ब्राउन हेयर। तो आपके हेयर कैसे हैं, ब्लैक है या ब्राउन है, वो आपको उस पर सर्किल करना है। अगर आपके जो है हेयर वो ब्लैक है तो उस ब्लैक पर सर्किल कर सकते हो, अगर ब्राउन है तो ब्राउन पर कर सकते हो, दोनों में से एक पर ही करना है क्योंकि एक ही रंग के हो सकते हैं, दो रंग के जो हेयर है वो नहीं हो सकते। फिर बी है आई हैव ब्लैक ब्राउन ग्रे आइज। तो आपकी आइज कैसी है, ब्लैक है, ब्राउन है या ग्रे है, तो जो भी अगर ब्राउन है तो ब्राउन पर सर्किल कर देना, ब्लैक है तो ब्लैक पर कर देना। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरी जो आंखें हैं वो ब्लैक कलर की है, तो मैं ब्लैक पर फिफ्थ किस पर करूँगी, ब्लैक पर ही करूँगी, तो आई हैव ब्लैक आइज। वैसे आई हैव लॉन्ग शॉर्ट हेयर, अगर आप गर्ल हो तो आपके हेयर लॉन्ग होंगे, अगर आप बॉय हो तो आपके हेयर शॉर्ट होंगे। तो शॉर्ट, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, अगर आपके हेयर शॉर्ट है तो शॉर्ट पर आपको सर्किल करना है और लॉन्ग है तो लॉन्ग पर करना है, तो दोनों में से किसी एक पर ही करना है।
फिर डी है, डी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव स्मॉल बिग फीट, तो आपके जो फीट है वो कैसे हैं, यानी जो आपके पैर है स्मॉल है या बिग है, स्मॉल है तो स्मॉल पे, छोटे बच्चों के स्मॉल ही होते हैं। फिर ई यानी नेक्स्ट है, आई हैव वाइट या येलो टीथ, आपके जो दांत है वो येलो या टीथ है, तो वाइट होंगे तो वाइट पे करना, येलो है तो येलो पे करना, पर बच्चों को अपने दांत एकदम वाइट रखना चाहिए, रोज उनकी केयर करनी चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए। तो फर्स्ट था सर्किल द करेक्ट वर्ड, जिसमें हमने एक जो ऑप्शन था उस पर क्या करना था, सर्किल करना था। तो जिसमें देखिए ए वाला था, आई हैव ब्लैक हेयर, ब्लैक या ब्राउन हेयर, तो आपके अगर ब्लैक है तो ब्लैक पर सर्किल कर देना, ब्राउन है तो ब्राउन पर कर देना। और कॉपी में कैसे लिखेंगे आप, पहले क्वेश्चन लिखा सर्किल द करेक्ट वर्ड, उसके बाद ए वाला लिखना आई हैव ब्लैक, उसके बाद डैश ब्राउन हेयर, दोनों में से एक पर सर्किल कर देना, बाकी वाले भी ऐसे ही करने हैं, बी सी डी ई। फिर हमने बी पढ़ा था आई हैव ब्लैक ब्राउन ग्रे आइज, तो आपके जैसे भी आंखें ब्लैक है ब्राउन है या ग्रे है, तो उस पर एक पर आपको सर्किल करना है। फिर सी था आई हैव लॉन्ग शॉर्ट हेयर, तो अगर आपके बाल छोटे हैं यानी शॉर्ट है तो उस पर आपको सर्किल करना है, और अगर बड़े हैं लॉन्ग है तो लॉन्ग पर करना है। फिर है डी आई हैव स्मॉल बिग फीट, तो अगर आपके जो पैर है वो स्मॉल है तो स्मॉल पे करना, बिग है तो बिग पे करना, बच्चों के तो स्मॉल ही होते हैं। फिर ई था आई हैव वाइट येलो टीथ, तो आपके जैसे भी दांत थे वाइट है येलो उस पर सर्किल करना था। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखते हैं, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ मैन मेड विद बेसिक शेप्स, एड अदर पार्ट ऑफ हिज बॉडी लाइक हैंड्स फीट ईयर्स नोज ईटीसी एंड कंप्लीट द पिक्चर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक फोटो दे रखा है हुमन का, इसका एक मैन का, यानी हुमन बींग एंड मैन, एक आदमी का फोटो दे रखा है, बेसिक शेप्स दे रखे, जैसे आपको क्या दिख रहा है फोटो में, उसका हेड दिख रहा है, उसका स्टोमक दिख रहा है, उसकी नेक दिख रही है, और कुछ हैंड्स दिख रहे हैं और पैर दिख रहे हैं, यानी उसके लेग्स दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एट अदर पार्ट ऑफ हिज बॉडी लाइक हैंड्स फीट और ईयर्स नोज ईटीसी एंड कंप्लीट द पिक्चर, आपको ये जो फोटो है वो कंप्लीट करनी है। अब आप कैसे करोगे इसे कंप्लीट, देखिए क्या करोगे, जैसे अपन को क्या दे रखा है, एक बेसिक शेप दे रखी है, इसके हैंड्स बनाने हैं, तो इसके हैंड्स कैसे बना सकते हैं, हैंड्स बना लो, वुमन्स के कितनी अंगुलियां होती है, पांच होती है, फाइव फिंगर्स होती है, वी हैव फाइव फिंगर्स, तो ये हो गए इसके हाथ, फिर इसके फीट बनाने हैं, और क्या क्या इसके वो ईयर्स भी बना देते हैं, तो ये हो गए इसके ईयर्स, यानी इसके कान हो गए, नोज बना देते हैं, आंखें बना देते हैं, ये हो गए इसकी आईज, फिर इसकी नोज बनानी है, और क्या बना सकते हैं, फीट बना सकते हैं। तो देखो मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ, इसके फीट बनाने हैं अपन को, फीट यानी पैर होते हैं, पैर कैसे बना सकते हैं, ये हो गए इसके पैर, शूज पहने यानी जूते पहने हुए पैर बनाए हैं। तो ये आपको अगर आपको बुक में ही करना है ये फोटो, अगर चाहो आप अपनी नोटबुक में करना, तो जो फोटो बनाओगे एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए, और पेंसिल से बनाओगे एकदम अच्छा सा फोटो बनाना है, अगर आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाते हो। तो ये हो गया चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, जिसमें आज अपन ने क्या क्या देखा, हमने पहले तो इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे, डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या थे, जैसे देखो सेल्फ अप्रिशियल, रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, थर्ड था सेलिब्रेटिंग लाइफ, फोर्थ था स्टडिंग, फिफ्थ था फेवरेट, सिक्स था डिफरेंट, सेवन था ग्रैंडफादर, एट था फादर, नाइन था मदर और टेन था ब्रदर। तो ये आपको स्टार्ट करना था चैप्टर तब करने, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट माई सेल्फ, उसके बाद आपको डिफिकल्ट वर्ड्स हेडिंग डालनी है और ये सारी जो वर्ड मीनिंग्स है वो लिखनी है और अच्छे से याद भी करनी है। उसके बाद हमने क्या देखा था, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखे थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था सर्किल द करेक्ट वन, उसमें हमने जैसे आई हैव ब्लैक ब्राउन हेयर, तो जो भी कलर है आपके हेयर का वो लिखना था, फिर आई हैव ब्लैक ब्राउन ग्रे आईज, जो भी आपकी आईज का कलर है वो लिखना है, फिर आई हैव लॉन्ग शॉर्ट हेयर, जो भी आपके हेयर है लॉन्ग है शॉर्ट है जो भी है उस पर सर्किल करना है, फिर आई हैव स्मॉल बिग फीट, आपके अगर पैर
स्मॉल है तो स्मॉल पे सर्किल करना है, और ई था आई है व्हाइट येलो टीथ, आपके जैसे भी दांत थे व्हाइट या येलो उस पर सर्किल करना था। फिर सेकंड हमने देखा था एक मेन की बेसिक शेप दे रखी थी, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, हेड दिख रहा है, इसके हैंड्स दिख रहे हैं, पर इसको पूरा करना था हमें। तो हमने इसको कैसे किया कंप्लीट, इसका नोज बनाया था, आईज बनाई थी, इसके हैंड्स बनाए थे, उसके फीट बनाए थे। तो अगर आप ये फोटो अपनी कॉपी में बनाते हैं तो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। पहले ये वाला शेप बना देना देखकर, उसके बाद उसके अच्छे से हैंड्स वगैरह बना देना। तो ये चैप्टर हो गया है फर्स्ट, उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो आप होमवर्क दिया है वो समझ आ गया होगा, और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।